हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मॉब ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरीके से कोई एक ऐसा मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं जिसमें एक अच्छा सा कैमरा दिया हुआ है, बट दोस्तों अगर जब आप कैमरा ओपन करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं मिलती, उतने ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल्स नहीं मिलते कि आप एक अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकें अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। तो दोस्तों डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन ऐसे ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आपको एक DSLR जैसे मैनुअल कंट्रोल्स मिलेंगे और जिससे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छी खासी फोटोग्राफी कर पाएंगे या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर लास्ट तक का ये वीडियो देखते रहिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों अगर आप ज़्यादातर करके फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कम करते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस एप्लीकेशन की मुझे सबसे खास बात ये लगी है कि इसमें आपको एक फीचर मिलता है शूट द पास्ट। तो ये फीचर क्या करता है कि जैसे कभी आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपकी आँख बंद हो जाती है या फिर कोई भी ऐसा आड़ा टेढ़ा पोजीशन आ जाता है, तो ये क्या करता है कि उसके पहले के जो भी पोजीशन रहते हैं सारी चीज़ें सेव करता है। फिर उसके बाद आप चूज कर सकते हो एक परफेक्ट पोजीशन, एक परफेक्ट पोज अपने लिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा है। फिर उसके साथ ही आप इसमें GIF वगैरह, आप GIF वगैरह शूट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी मुझे अच्छा पार्ट लगा है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें आपको सीन मोड मिल जाता है। सीन मोड में आप अपने हिसाब से जिस भी सिचुएशन में आप उस हिसाब से सीन मोड चूज करके एक अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फुटेज कैमरा। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस के साथ आता है। अगर आपको ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल्स वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ऊपर आपको 3 डॉट्स देखने को मिल जाती है, उसके बाद देखिए आपको वो सारी सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप एक्सपोजर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, वाइड बैलेंस को कंट्रोल से कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसका एक बेस्ट जो फीचर लगा है मुझे, इसमें एक ब्रश मोड मिलता है आपको, जिस अगर इससे आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपको फटाफट कई सारी फोटो एक साथ क्लिक कर सकते हैं और बहुत ही फास्टली ये वर्क करता है। तो ये मुझे एक अच्छा फीचर लगा है इसमें। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैमरा जूम। दोस्तों इससे आप बहुत ही ब्राइट फोटोज ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने नॉर्मल कैमरे से ये फोटो लिए और सेम सिचुएशन में मैंने ये कैमरा जूम से ये फोटो लिए, तो आप देख सकते हैं कितना ब्राइट और फोटो आया है। तो इसमें आपको सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप इसके इफेक्ट्स में देखिए आपको कितने सारे इफेक्ट्स, अलग अलग टाइप के फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको अलग अलग टाइप के पिक्चर साइज देखने को मिल जाती है, इतनी सारी पिक्चर साइज है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं, बट दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन के लिए रखी हुई है। मेन चीज़ें पेड वर्जन के लिए रखी हुई है। फिर भी चलो एक इग्निटो मोड है जिसमें आप सीक्रेटली फोटो कैप्चर कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा पार्ट लगा है मुझे इसमें। अगर आपको ये फ्री वर्जन अगर अच्छा लगता है तो आप इसका पेड वर्जन जरूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ओपन कैमरा। दोस्तों एकदम ये दिल को छू जाने वाली एप्लीकेशन है, ये एड फ्री एप्लीकेशन है और इसका बेस्ट पार्ट लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग इससे काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। इसमें आप देखिए मैनुअल कंट्रोल्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं और अपने हिसाब से, और बहुत ही आसान है इसमें आपको ना सारी चीज़ें एक के बाद एक है, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे अगर इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो सारी अलग अलग तरीके के मैनुअल कंट्रोल्स दिए हुए, तो ये मैं अक्सर यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस एप्लीकेशन का जरूर यूज कीजिएगा। तो हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है सिनेमा FV5 लाइट। दोस्तों ये एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही एप्लीकेशन है। अगर आप फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, फोटो के लिए चाहिए, तो आप कैमरा FV5 का यूज कर सकते हैं। तो ये एक लाइट वर्जन है, इसका एक पेड वर्जन है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइट वर्जन पेड वर्जन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस इसमें आपको क्या मिलता है कि इसमें आप केवल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और जो पेड वर्जन में आप 4K वीडियो तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पहले आप ट्रायल वर्जन में देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें जो भी है आपको ऑन स्क्रीन मिल जाती है, जैसे कि आप वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपोजर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छी बात लगी है इसमें। अगर आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको हर एक तरीके की सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि एकदम प्रोफेशनली आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस टाइप की आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा और बेस्ट पार्ट लगा है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या फिर आपका भी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, आप चाहते हो कि उसके लिए
रिकॉर्डिंग ऐप ढूंढ रहे हो तो इस एप्लीकेशन को जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों एक बार। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 बेस्ट एप्लीकेशन कैमरे के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बेशक एक लाइक जरूर करना दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपने सवाल सुझाव या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा जो भी चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी नई वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।